अवे में ऑस्ट्रेलिया से कंडीशंस मुख्तलिफ हैं, किन चीज़ों पर फोकस है? जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया से अगर कंपेयर किया जाए तो उधर ज़रा बाउंसी विकेट्स और उस तरह की सिचुएशंस हमें टैकल करना पड़ा, बट जिम्बाब्वे में आगे भी खेले हुए हैं, थोड़ा आइडिया है और हमने पास में जितनी भी सीरीज खेली हैं काफ़ी डोमिनेट किया और कोशिश करेंगे सेम उसी मोमेंटम से शुरू करें जिधर हमने लीव किया। पाकिस्तान का जो टीम कम्बिनेशन है वो थोड़ा मुख्तलिफ है, जवानों के लिए कितने मौके देते हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि हमारे मेन प्लेयर बाबर आजम भाई, शाहीन अफरीदी फास्ट बॉलर और ये जो मेन प्लेयर्स हमारे रेस्ट कर रहे हैं, तो यंगस्टर्स के लिए काफ़ी चांस है, एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आप को इस प्लेटफॉर्म में शो करें और अपनी बेस्ट एबिलिटीज शो करें। पहले ये सीरीज कितनी इम्पोर्टेंट? बिल्कुल, चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सीरीज़, ऑस्ट्रेलिया वाली भी जो हमने खेली और जो अब भी खेलने जा रहे हैं ये उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि ऑस्ट्रेलिया वाली, क्योंकि ओडीआई हम पीछे इतना खेलते हुए आए नहीं हैं, तो ये हमारे पास चांस है कि अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड करें एक बिग इवेंट के लिए। टीम में आप एक सीनियर खिलाड़ी की हैसियत से खेल रहे हैं, जिम्मेदारी तो बढ़ गई होगी और दूसरी तरफ जिम्बाब्वे की टीम में भी काफ़ी यंगस्टर्स हैं, तो क्या इनको एक आसान हरीफ की तरफ से देखते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से इंटरनेशनल कोई भी टीम आसान नहीं होती, उनको उसी तरह आपको खेलना पड़ता है क्योंकि इंटरनेशनल एक ऐसी स्टेज है जिसमें कोई भी टीम मैं नहीं समझता कि जिसको आप ईजी ले सकते हो, बट ये है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम यंगस्टर्स के लिए भी कि अच्छी क्रिकेट खेलें और अपने आप को अच्छा प्रिपेयर करें।